वोट बीजेपी सरकार के टाइम पे, ये तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रोड पे काम हुआ है, हाईवे से लेके हर जगह। गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें रोजगार में, आप बताइए। 1970 में जो नौकरी पे बैठे गवर्नमेंट की, वो आज भी रिटायर नहीं हुए, तो गवर्नमेंट का पैदा करेगी अलग से नौकरी। कहूँगा पकौड़ा तलने की बात है कि, कि हम उसके लिए तैयार है, लेकिन आपका नगर निगम आता है उठा के ले जाता है ठेला। महंगाई तो देखिए साहब, सीधी बात ये है कि आज पहले क्या एक आदमी काम करता था पूरा घर चलाता था, आज पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इसके बाद भी घर गुजारा करना मुश्किल होता है। इस समय मध्य प्रदेश के चुनावी रंग, ई रिक्शा वालों के मन को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कमल खिलाएंगे या फिर लाएंगे कमलनाथ। तो आइए ई रिक्शा वालों से जानते हैं। हमारे बीच एक ई रिक्शा ड्राइवर है, कब से हमारा ई रिक्शा चल रहा है? जी मेरे को 14 महीने हो गए लगभग ई रिक्शा चलाते हुए। चुनावी रंग है मामा की कमलनाथ, किसको देख रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। कौन सोच रहा है? हमें लगता है कि सरकार बदलना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? वो इसीलिए कि ये काम तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से फ़ायदा प्रदेश के बच्चों को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स होंगे, आप लोन दे रहे हैं 10,000 का, या जैसे मैं कहूँगा पकौड़ा तलने की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पकौड़ा तलिए आप, ठीक है, हाँ वो भी एक जॉब है, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन आपका नगर निगम आता है उठा के ले जाता है ठेला। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है जी। आप ई रिक्शा चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? मतलब साहब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से चला रहे हैं, क्या बात है, आप मतलब अनुभवी हैं। फर्स्ट गाड़ी मेरी थी पहले। अच्छा, लेकिन क्या है पहले मैजिक वाले चलने नहीं देते थे। अच्छा। अब कहीं जाके थोड़ा बहुत रूट बना है तो अपने चलते हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सवारियाँ बराबर बैठती नहीं है, क्योंकि बसों का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा एक डिफरेंस कर दें 10 मिनट या 15 मिनट, तो क्या सभी के लिए बराबर मिल जाएगा, सभी की दाल रोटी चलती रहेगी। कहते अब तो ई रिक्शा, अब तो ई रिक्शा का ट्रेंड आ गया, अब काफ़ी लोग ई रिक्शा, वो तो खैर ठीक है, अब ई रिक्शा भी बहुत उठ गए। ये है ज़्यादा, ये समझो कि आप हर दो सेकंड के अंदर आपको एक गाड़ी निकलती हुई दिखेगी, अब जो स्टाफ से चलाते हैं वो तो खड़े ही रहते हैं। कंपटीशन आ गया, जरूर से ज्यादा हो गया, और अभी तो और उठ रही है गाड़ियां दिन ब दिन। अच्छा, कहते कंपटीशन इस बार कमल और कमलनाथ में भी है, क्या लग रहा है? कमल और कमलनाथ दोनों में, लेकिन आना तो कमल ही है, किधर से जाए, इधर से समझ लो उधर समझ लो। जबरदस्त, ऐसा क्यों भाई? कमल दोनों तरफ है ना, अब ये तो च्वाइस है आदमी की, जिस भाई जिसको विनाश दिख रहा है वो विकास में देगा, जो विकास दिख रहा है वो विनाश में देगा। नहीं, दोनों में कमल दिख रहा है आपको, लेकिन वो कमल नाथ वाला कमल अच्छा है कि सिंपल कमल अच्छा है? अपन तो कमल नाथ वाले नहीं है, नहीं अपन है। तो कमल वाले हैं। क्यों, कमल से क्या इतनी प्रेम है? अपन ऊपर से चलते हैं, नीचे से नहीं चलते भाई। ऊपर से काम सही हो रहा है ना, सही कर रहे हैं भाई। ऊपर से चलते, जैसे कभी राजीव गांधी जी बोलते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे 5 पैसा पहुँचता है, तो 4 रुपये कहाँ चला जाता वो भी नहीं बता पाए। अच्छा, तो मामा जी से ऊपर से तो काम हो रहा है, लेकिन नीचे भी कुछ कुछ होता है, वो मामा जी को संभालना है। आते हैं या तो भाई आप संभालो या किसी दूसरे को दे दो अपने उत्तराधिकारी को। मामा जी संभाल पा रहे हैं? संभाल पा रहे थे अभी तक, लेकिन क्या आप उत्तराधिकारी दूसरा दे दो आप। भाई आपसे नहीं संभाला था, आप दूसरे को दे दो भाई, आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो अच्छे से संभाल सके देश को। तो इस बार अगर सीएम बदला जाए, बाकी आए बीजेपी, आप ये चाह रहे हैं? सीएम से कोई सीएम तो बदल नहीं है भाई, वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं क्लियर, अब सीएम का पद इनका नहीं रहेगा, इनको ऊपर ले जाएंगे केंद्र में। कब से चला रहे हैं आप ये रिक्शा? ये तो मेरे को 1 साल हो गया ये रिक्शा, नहीं तो मैं पहले मिनी बस वगैरह चलाता था, बाहर की बस। अच्छा, बस वस भी चला चुके हैं जी। अच्छा, ई रिक्शा वालों को क्या परेशानी आती है अगर बात करें तो? ई रिक्शा में ये आती है कि ये मैजिक वाले और ये सब क्या परेशान करते हैं, गाड़ी चलाने में, सवारी बैठाने में बार बार चिल्ला चोट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, फुटपटांग बोलना। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें चुनावी रंग भी है, चुनावी मंच भी है, कमल या कमलनाथ किस ओर आपका रुझान जा रहा है? दोनों ओर रुझान है, जो भी आ जाए, क्योंकि दोनों अच्छे हैं। क्या मुद्दे रहते हैं आपके? मुद्दा यही है कि भाई आम जनता क्या है, परेशान ना हो, आम जनता सुखी से कमा। शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे भी आम जनता सुखी थी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमलनाथ के समय पे कमलनाथ में भी खुश है। हाँ, वो भी बढ़िया मुख्यमंत्री साहब। मैंने जब से होश संभाला मैं तो सिर्फ विकास ही देख रहा हूँ। जैसे 3 विकास के काम अगर हम जान ले, कमल के 3 विकास के काम भाई देखो, रोड है, रोड है, शिक्षा पे भी काम करा, ऐसा नहीं करा, और दूसरे काम भी है भाई, गलियों में नालियाँ बनाना, नल पानी कनेक्शन देना, ये सभी चीज़ दी है भाई। अब रोजगार का है तो रोजगार तो कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाई आज तक, नहीं दे पाई तो इसमें फिर तो करना चाहिए ना रोजगार। गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें रोजगार में, आप बताइए। 1970 में जो नौकरी पे बैठे गवर्नमेंट की, वो आज भी रिटायर नहीं हुए, तो गवर्नमेंट का पैदा करेगी अलग से नौकरी। सही बात भाई, स्किल बदल रही है तो उस हिसाब से आदमी कुछ नहीं, उन्हीं को सिखा के कंप्यूटर में डाल दिया, तब वो जैसा काम करते वैसा करते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव देख रहे हैं, क्या ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा थोड़ा माहौल तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोग बात बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एक सरकार आदमी क्या है 5 साल 10 साल फिर चाहते हैं कि कुछ नया हो।
लेकिन बीजेपी ने भी अच्छा करा, बीजेपी ने कोई खराब नहीं करा काम। अच्छा रोडों की बात करें, कहते सबसे बेस्ट अगर कोई रोड के बारे में बताएगा वो हमारे ई रिक्शा ड्राइवर्स होंगे। रोड के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि रोड है तो अच्छी, मगर रोड में जो क्वालिटी है ना वो ऐसी होती है कि साल भर 6 महीने में जहाँ पानी गिरा उड़ जाती है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी रोड है। रोड बीजेपी सरकार के टाइम पे, ये तो मैं कहूँगा, सबसे ज्यादा रोड पे काम हुआ है, हाईवे से लेकर हर जगह। महंगाई के बारे में अगर बात करें तो ये है कि लोगों के पास आमदनी कम है, महंगाई ज्यादा। अच्छा त्रस्त है क्या हम? हाँ महंगाई तो देखिए साहब, सीधी बात ये है कि आज पहले क्या एक आदमी काम करता था पूरा घर चलाता था, आज पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इसके बाद भी घर गुजारा करना मुश्किल होता है।